जैसे आपने बताया कि लोग 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कहते हैं अब बात मत करो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे भी मेरे लिए कम है। कोई दिन 56 घंटे का होना चाहिए था और रात भी 56 घंटे की होनी चाहिए। वो इसलिए कि मैं दिन और रात दोनों टाइम ड्यूटी देती हूँ। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी तब आपको कैसा लगा, और क्या वो फीलिंग आज भी इंटैक्ट सेम उसी बॉक्स की तरह है? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी तब भी मेरे मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था, क्योंकि पहले जब भर्ती होती थी तो लड़कियों की भर्ती नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। तो मुझे लगा कि मेरे सीने में एक किसी ने तिरंगा भर दिया है, और मेरी इच्छा भी है कि मरने पर जब मैं जाऊं, मैं ये दुनिया छोड़ के, तो तिरंगे में लिपट कर जाऊं। कई बार दिली इच्छा होती है ना, जो बता देनी चाहिए, और ऐसे काम भी करने चाहिए। और आज भी मैं जब भी वर्दी पहनती हूँ तो मुझे अपनी सिविल ड्रेस से ज़्यादा अच्छी वर्दी लगती है, क्योंकि ये एक एक तरह से आप मानिए, सही माने में एक सोशल वर्क है। आज कहीं भी जाए तो हमारी जो फोर्स की पे है वो बहुत ही, जो हम 24 घंटे प्रेजेंट रहते हैं उसके हिसाब से बहुत कम लगती है। तो मगर हम पे के लिए काम नहीं करते, हम काम करते हैं अपने समाज के लिए, अपने वतन के लिए। तो वो एक ऐसा लगता है कि वर्दी धारे सोशल वर्कर, और इसीलिए हम 24 घंटे काम पे रहते हैं, और बहुत मज़ा आता है, प्राउड मोमेंट होती है। लोग इस वर्दी को पहनने पर लोग हम पर विश्वास करते हैं, और मुझे खुशी होती है कि इस वर्दी को पहन के मैं उनके विश्वास पर खरी उतरती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन और है कि जब आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था तो आपका वो क्या एक्सपीरियंस है, आप वो शेयर करो प्लीज मैम। जब मेरे को राष्ट्रपति पुलिस पदक में मेरा नाम आया तो सबसे पहले मेरे स्पेशल सीपी साहब ने मुझे फ़ोन किया, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है और साल में सिर्फ 2 बार ही अनाउंस होता है, 15 अगस्त वाले से एक दिन पहले और 26 जनवरी से एक दिन पहले। तो ऐसे लग रहा था स्पीचलेस कि हाँ, ज़मीन पे ही नहीं हूँ, हवा में उड़ रही हूँ, और शब्द भी नहीं आ रहे थे। और बल्कि वो मुझे बधाई दे रहे थे तो हाँ सर ठीक है, तो उसके बाद ही एक के बाद एक कॉल आए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये तो नहीं, मतलब, और ये कोई आपको सपना है। हाँ सपना ही लग रहा था, मगर तब माँ बाप की पहुँच। इसके अलावा आपको और भी तो बहुत सारे मेडल होम मिनिस्टर साहब से भी मिले हुए हैं, जी वो क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। राष्ट्रपति पुलिस पदक, क्योंकि एक पुलिस का बहुत बड़ा सम्मान है, और मुझे आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड मिला है। ये एक ऐसा अवार्ड है जिसमें पूरी दुनिया से महिलाओं के कामों को सिलेक्शन हुई, और बहुत ही फेयर, मतलब कि सिलेक्शन थी, और मुझे खुशी थी जब मैं उस मंच पे गई तो 12 उन महिलाओं को पूरी दुनिया से सेलेक्ट किया गया था, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में ऐसा काम किया था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा काम बिल्कुल उनके बराबर, नाखून के बराबर है, बट हर महिला ने मेरे काम की तारीफ की तो मुझे बहुत खुशी हुई। उनमें से ऐसी कई महिलाएं थी जिन्होंने पूरे के पूरे गांव पढ़ा दिए, उन्होंने कैसे कैसे काम किए, तो मुझे बहुत, उन्होंने मुझे, कई लड़कियां ऐसी थी, लेडीज थी जिन्होंने दिव्यांगों के ऊपर काम किया, लवारिस लाशों को जलाना एक महिला का काम, तो ऐसी कई चीज़ें थी जिसमें खुद को प्राउड मोमेंट हो रहा था कि मैं इनके साथ खड़ी हूँ। और मुझे अभी अवार्ड मिला हुआ है क्योंकि मैं रेप और पॉक्सो केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, और मेरी फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद कई मुलजिमों को ताउम्र कैद हुई, और मुझे लगा कि जो मैं काम कर रही हूँ उसमें सही मायने में उन बच्चियों को जिनके साथ यौन शोषण हुआ है और उन मुलजिमों को मैं सजा दिला पाई, तो इसके लिए मुझे हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी ने सम्मानित किया। मुझे किस्सा खाकी में हमारे श्री कमिश्नर साहब संजय अरोड़ा जी ने सम्मानित किया, जिसे किस्सा खाकी में एक तारंगिणी अवार्ड है वो दिया गया, और रक्षक अवार्ड मुझे देश के राज्य गृह मंत्री श्री जीएस रेड्डी साहब ने दिया। और रक्षक अवार्ड मुझे इसलिए मिला था क्योंकि मैंने ब्लाइंड लड़की को जब गुंडों से बचाया, और जब मैंने लाखों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, क्योंकि
क्योंकि मैं करीब 10 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर एक रिकॉर्ड बना चुकी हूँ। मेरे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है और बहुत खुशी होती है कि जो हम काम करते हैं समाज में उसकी सराहना होती है। और मेरे को लेडी सिंगम तो सभी कहते हैं, मुझे दिल्ली वुमेन कमीशन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और कई ऐसी संस्थाएं जैसे स्माइल फाउंडेशन है मेरे को अप्रिशिएशंस कई दी हैं, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी जिनके लिए मैं अपने दिल्ली पुलिस के थ्रू काम करती हूँ, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होगी या मोटिवेशनल बच्चों को कोई भी कॉलेज स्कूलों में जाकर ट्रेनिंग देना, तो उन्होंने मुझे अवॉर्डिड किया। और ऐसे बहुत से अवार्ड हैं जिनके अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहे, तो इन अवार्डों से सम्मानित किया। और जब हमारे ऑफिसर्स हमारे कामों की सराहना करते हैं, ख़ासतौर पे मुझे तब बड़ा प्राउड फील होता है कि अभी हाल में ही मुझे मेरे जो सीनियर ऑफिसर ने जिम्मेदारी दी वो तो है ही है, मेरे जो जॉइंट सीपी हैं स्पेशली परमादित्य साहब जो मेरे डीसीपी भी रह चुके हैं और अब मेरे जॉइंट सीपी हैं, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है मेरे कामों की जो सराहना कई बार लोग होता है कि मुंह से नहीं करते, बट उनके जो विशेज हैं हमेशा मेरे सर पे रही हैं और मैं ये भी चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ उनकी विशेज मुझे ऐसे मिलती रहें, ईश्वर उनकी उम्र को लंबा करें। वर्दी से बात शुरू हुई, बहुत सारे अवार्ड अचीवमेंट्स के बारे में आपने बताया, 24 घंटे लगातार ड्यूटी पे हर वक्त हाजिर रहना सच में बहुत मुश्किल जी है। आम आदमी सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करता है और उसके बाद शाम को जब घर आता है तो वो कहता है कि भी बस मुझे अब कुछ मत कहना है, मैं बहुत थक गया हूँ। चाहे वो बैंक की जॉब करते हैं, चाहे किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो इतनी टफ ड्यूटी, इतने मुश्किल हालात में, और स्पेशली जिस एरिया में इस वक्त आप इंचार्ज हैं पूरे इलाके में, दिल्ली का सबसे, अगर मैं ये कहूँ कि डेंजरस इलाका है, तो नॉर्मली कॉलोनियों से अलग हटके है बहुत, तो वहाँ की ड्यूटी तो बहुत टफ है, इस तरह के चैलेंज आप फेस करते हैं? जैसे आपने बताया कि लोग 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कहते हैं अब बात मत करो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे भी मेरे लिए कम है, कोई दिन 56 घंटे का होना चाहिए था और रात भी 56 घंटे की होनी चाहिए। वो इसलिए कि मैं दिन और रात दोनों टाइम ड्यूटी देती हूँ। जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी महिला पुलिस चौकी है जहाँ पे सारा काम महिलाएं करती हैं, और वो जो मेरे साथ मेरा महिला स्टाफ है वो बहुत प्राउड फील करता है। उनको शुरू में हिचक थी कि नहीं भाई यहाँ पे क्यों पोस्टिंग हो गई है, हमें आते जाते लोग हमें भी ऐसा ही समझेंगे, क्योंकि कई बार वो सिविल में जब आती थी, तो मैंने उनको बताया कि जिस काम को हम कर रहे हैं हमें हर तरह के चैलेंज जो देखने को मिलते हैं, रेड लाइट एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो वहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह का जाल होगा, और 200 साल पुराना जीबी रोड जो इलाका है और वहाँ पे जो लड़कियाँ अनजान लोगों के झांसे में आके फंस जाती हैं, उन लड़कियों को हम बाहर निकाल के जो काम कर रहे हैं तो प्राउड वूमन फील होती है। और दूसरा कि नेचुरल है कि जिस एरिया से हम किसी का काम ख़राब कर रहे हैं और सही ज़िंदगी दे रहे हैं वहाँ से धमकी भी मिलती है, लोग हमें तलाश कर रहे हैं कि कब इनका खात्मा कर दें, बट हमने भी अपने सीने पे खाकी वर्दी डाल रखी है तो हम डरने वालों में से नहीं है। और मुझे तब ये प्राउड फील होता है कि अपने काम को आप जब करते हैं तो डरना नहीं है। और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्यूटी ही देती हूँ, मैं इसके अलावा अपनी ड्यूटी के साथ साथ कई स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, और जहाँ मौका मिलता है चाहे रेजिडेंट एरिया है चाहे एक ऐसा भी इलाका हो, मैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं अपने इलाके में जो महिलाएं ब्रोथल हाउस में रहती हैं मैं उनको भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ, मैं उनको भी योगा सिखाती हूँ कि ताकि कभी भी उनके मन में ये जागरूकता आए कि मुझे इस जगह से निकलना है तो वो कम से कम उनमें इतनी हिम्मत हो कि वो सेल्फ डिफेंस करके अपना बचाव कर सकें और ज़िंदगी से बाहर आ सकें, वो अपनी सिपाही खुद बने
और योग मैं उनको इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि मैंने एमए योगा किया है। मैंने कई मुरारजी देसाई जैसे ऐसे इंस्टीट्यूट से कई तरह के कोर्सेज किए हैं और उन कोर्सेज के जरिए मैं उनको मदद देती हूँ। मैं सेक्स वर्कर्स को जो यहाँ पे रहती हैं उनको मैंने योग की ट्रेनिंग इसलिए दी क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत है। वो मानसिक रूप से भी बहुत अपने आप को कमज़ोर मानती हैं और उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और फिज़िकली भी। तो उनको जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं, योग उसमें बहुत ज्यादा उनको सहायक हो रहा। आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ कि कोई घोस्ट एनकाउंटर या कभी बच्चे तो बच्चे जैसे ही क्वेश्चन करते हैं कभी मतलब कभी जैसे आप किसी ऐसे अननोन एरिया में गए जहाँ पे आपको केस आया और वहाँ पे जैसे मतलब सपोज करो कि आपने वहाँ पे जाके कुछ ऐसे आपका कोई केस मिनट जगह लेनी है लेकिन मतलब वहाँ पे कोई है ही नहीं, अच्छा फिर भी आपको लग रहा है वहाँ कोई है। अच्छा मुझे बताओ रवानी, आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। मेरे से? हाँ, आपने देखा घोस्ट भूत देखा कभी? नहीं। तो भूत भूत कुछ नहीं होता, एक हमारे अंदर एक छोटा सा वहम रहता है कि ये कुछ है, हमारे पीछे कोई है, कोई है। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण रहता है डर। जब आपके अंदर डर होगा तो आपको अजीब अजीब चीजें महसूस होंगी। तो भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक नहीं मतलब भूत तो नहीं होता लेकिन फिर भी होता ना ऐसे एनर्जी वाइब फील होती है, वाइब फील होती है, ऐसे लग रहा है कोई पीछा कर रहा है, कुछ है कोई ऐसे मार रहा है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम कभी किसी मुलजिम की तलाश में गए हैं और क्योंकि हम जब किसी अनजान जगह में जाते हैं कोई किसी चीज को तलाश करने के लिए, चाहे एक्यूज को जब तलाश करते हैं या मतलब कई बार हम विक्टिम्स की भी तलाश करते हैं, जैसे किसी किडनैपिंग कर लिया या समथिंग, कोई गुमशुदा है तो हमें लगता है कि किसी ने खबर दी कि वहाँ हो सकता है, तो वो जगह हमारे लिए अनजान होती है। तो जब हम देखते हैं तो यार कोई पीछा तो नहीं कर रहा, कोई हमें ऐसा तो नहीं है कि हमारी रेड को फेल कर दें, तो तब ऐसा महसूस होता। मगर भूत भूत ऐसा तो नहीं, बट वो एक फीलिंग आती है यार कोई ऐसे हमें तो नहीं पकड़ लेगा, हमें तो नहीं मार देगा। बट क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, हमें हर अनजान जगह पे जाने से पहले अपने आप को खुद को भी प्रिपेयर करना होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्योंकि जब हम मेंटली और फिजिकल प्रिपेयर करके जाते हैं तभी हमारी रेड सक्सेसफुल होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ से हमें बहुत से लोग गुमराह कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो भूत से कम नहीं होते जो लोग अनजान लोग आपको गुमराह कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो लड़कियां यहाँ पे जहाँ इस जगह में आ जाती हैं तो वो उन्हीं अनजान लोगों के, वो भूत से कम नहीं है, वो उन अनजान लोगों की बातों में आ गई और यहाँ आकर वो इस जाल में फंस जाती। मतलब आप अभी अपना एपिसोड बता रहे थे तो उसमें मेरा पूरा ध्यान से एक ही चीज बता, क्या कुछ थ्रेट्स मिलते हैं हमें? हाँ, जब थ्रेट मिलते हैं, मुझे एक बार याद है मैंने बहुत सारे मुलजिमों को जब रेप केसेस में और पॉक्सो केसेस में अंदर कर दिया, तो मुझे एक दिन मेरे स्टाफ के आदमी ने कहा कि मैडम आप ना अपनी ना पोस्टिंग चेंज करा लो, आपको यहाँ से ना कोई मार देगा। तो मैं मार देगा कैसे मार देगा, आएगा तो उसको भी मैं मार दूंगी। तो वो एक जोश जैसे होता है, मैं हाथ तो लगा के देखा, हाथ तोड़ दूंगी। नहीं मैडम, सच में कोई ऐसे आपके साथ अनहोनी हो जाएगी, आप मत करा करो। तो वो एक तरह से मुझे अलर्ट कर रहा था कि क्योंकि उनसे ये सुना था कि उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही जहाँ पे मेरी अप पोस्टिंग है तो कई बार मुझे लोग अनजान लोग भी आके बता जाते हैं, मैडम थोड़ा सा अलर्ट होके जाया करो, एकदम ही मत चले जाया करो, जेंट्स स्टाफ को लेकर जाओ। मैं क्यों, जब महिला पुलिस चौकी है तो जेंट्स स्टाफ को क्यों नहीं? तो अगर हम इन चीज़ों से डर जाएंगे तो हम समाज के लिए रक्षा नहीं करेंगे। अगर एक आर्मी का आदमी जब बॉर्डर पे खड़ा होता है एक बंदूक लेकर, तो वो तो पूरे हमारे देश की रक्षा कर रहा होता है। तो अगर वो सामने चलते हैं कि सामने वाला जो देश का दुश्मन है वो आपको मार देगा, तो मरना तो कभी है ही है, तो काम करते करते क्यों ना मरे। तो थ्रेड से मैं डरती नहीं। ये शायद जो आपका ये वाला एटीट्यूड है ना कि काम करते करते मरे, ये सिर्फ मेरे ख्याल से पीपल जो फोर्स में होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं का ही होता है। क्योंकि मतलब मेरे को तो ये सब सुन के भी ना ऐसे मुझे डर लगता है कि किसी कोई आप ऐसे डेथ थ्रेट्स दे रहा है तो
हाँ जैसे अभी लोगों कहते हैं एक मारूंगा तो हद चाहे मार ना दे या कोई आदमी डर के कारण। मैं आपको बताऊं हमारे पास कई बार ऐसी लड़कियां आती हैं जो ये कहती थी इसने मुझे कहा था मैं तुझे जान से मार दूंगा, मेरे भाई को जान से मार देगा या मेरे परिवार को जान से मार देगा। तो जब वो ये वर्ड बोलते हैं तो मैं ये उनको लड़कियों को हम मोटिवेट करते हैं कि किसी जो आदमी बोलते हैं वो इस तरह से करते नहीं, अगर वो करते हैं तो तुम भी कमजोर नहीं बनो, तुम उसका सामना करो। एक आजकल टीवी में न्यूज़पेपर में बहुत केस हाईलाइट हो रहा है कैलकटा का जी, इस तरह के केसेस जब सुनते हैं तो मन में एक फीलिंग आती है कि हमारी बच्चियां यहाँ काम करती हैं, चाहे वो बैंक में जॉब करती हैं, हॉस्पिटल में है, या वो वहाँ भी सेफ नहीं है। अब ये जो हॉस्पिटल का केस हुआ तो समाज में कहाँ कमी है जो कि हम इन चीज़ों को नहीं रोक पा रहे, इसके लिए आप क्या कोई सजेशन देना चाहेंगे जिसको हम आज अपने सभी सुनने वालों के साथ अथॉरिटीज के साथ शेयर कर सकें और इसके थ्रू हम समाज में एक जागरूकता ला सकें जिससे कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा समाज में ना। देखिए कि सबका अपना अपना एक व्यू होता है, सब अपने तरीके से समाज में होने वाली जो बुराइयां उनको ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फांसी की सज़ा दे दीजिए, सरेआम उनको इस तरह से दरिंदों को अलग कर दीजिए, समाज से बिल्कुल कटअप कर दीजिए। हर के आदमी अपने अपने व्यूज़ हैं। मैं ये चाहती हूँ कि संस्कारों की कमी होती जा रही है, एक भावनाओं की कमी होती जा रही है, तभी तो इस तरह के दरिंदों ने उस बच्ची के साथ ये कांड किया। ऐसे कई जगह पे ऐसे कांड होते हैं क्योंकि हम रेप और पॉक्सो केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमें ये लगता है कि जो आज समाज में कोई भी दो वर्ग हैं, जो जेंडर है हमारे, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। बच्चे जो हैं अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इन लड़कियों की इज्जत नहीं कर रहे, तभी तो इस तरह के यौन शोषण हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हम अपने हर लड़की को अपना एक परिवार का सदस्य समझें। जो हमारी उत्तेजनाएं हैं, जो हमारी आजकल की माहौल है, वो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है इन चीज़ों के लिए। और बाकी क्योंकि आप सब के जरिए जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं तो लड़कियों को भी थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है तो ऐसी सुनसान जगह पे ना जाएं और किसी के बहकावे में आके ना दें। और दूसरा, कई बार आपको लगता है कि सामने वाला आप पे दबाव डाल रहा है कि आपको ये काम करना होगा, तो उनकी बात को आप उनसे ऊपर शेयर करें ऑफिसर से। और मैं ये कहना चाहूँगी कि टीम वर्क में अगर आप लगता है कि अकेले जाते हो तो अकेले होने का फ़ायदा जो है वो इस तरह के दरिंदे उठाते हैं। अगर ये 5-6 लड़कियाँ इकट्ठी होती या इस तरह से होती तो ये नहीं होता। और क्योंकि ये हादसा होना था तो मेरे लिए तो ये दुखी बात है। ये जो संस्कारों की बात की उसमें मैं एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल के पेरेंट्स पैसे की, प्रॉपर्टी की और सब चीज़ों की वसीयत तो बच्चों के नाम कर रहे हैं लेकिन संस्कारों की वसीयत करना भूलते जा रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैसा, प्रॉपर्टी, बच्चों को सुख सुविधाएं सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है। जो कुछ हम कमाते हैं हम बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन इन सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि संस्कारों की वसीयत सबसे पहले दो। क्योंकि उन लड़कों में संस्कार नहीं थे तभी तो उन्होंने इस बच्ची के साथ ये घिनौना अपराध किया। दोनों को मैं कहूंगा कि क्योंकि ये जो मॉरल वैल्यूज हैं ये पूरी जिंदगी हमें काम आती है, पूरी जिंदगी हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इसके थ्रू कर सकते हैं, तो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखें। इस बार जब हमने 26 जनवरी की 26 जनवरी रिपब्लिक डे की जब परेड देखी, क्योंकि हमेशा से क्रेज होता है मुझे कि सुबह 9 बजे उठ के परेड देखनी है और साथ ही नाश्ता करना है परेड देखते देखते, कि मैं परेड ऑनेस्टली सिर्फ वो जो एक्चुअल परेड है जो झांकियाँ होती हैं और उससे पहले जो पुलिस का या फोर्स का जो भी शो होता है बाइक्स पे और उस पर, सिर्फ उसके लिए देखती हूँ मैं। तो इस बार मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि आप भी उस परेड में थे, दिल्ली पुलिस वाले उसमें, तो
वो क्या एक्सपीरियंस था, आप एक बार वो शेयर करो जी। इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि नारी शक्ति को आगे लेकर आए, और सबसे ज़्यादा एक जो परेड का हिस्सा थी नारियाँ थी, हर फील्ड से महिलाओं ने आके इसमें हिस्सा लिया। तो जब इसकी तैयारी चल रही थी अक्टूबर मंथ में, सितंबर अक्टूबर में ये शुरू हो गई थी, तो मैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की अकेली ऐसी लड़की थी जो लड़कों को कमांडो कोर्स कराती थी, मैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर रही हूँ अपने मतलब फोर्स जो मेरी सर्विस रही है उनमें, मैंने कई साल लड़कियों को और लड़कों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। तो बहुत सी लड़कियों ने आके जब न्यू पुलिस लाइन में परेड की तैयारी करनी शुरू की तो एज ए इंस्ट्रक्टर मुझे भी बुलाया गया था। तो परेड करते थे तो जब मैं लड़कों को सिखाती थी तो परेड 26 जनवरी में ये जाते थे परेड करने, तो मैं अपने CDI को कहती थी मैं सर मुझे भी यहाँ पे कहीं खड़ा कर दो, तो मुझे कहते थे देखे 6-6 फुट के हैं ये, तो मैं ये कहती थी तो कह रहे थे नहीं लड़कियाँ तो चल ही नहीं सकती थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि हमारा ये सपना ही रह गया, हम कभी राजपथ पर चल ही नहीं पाएंगे। तो जब ये आया तो अब ये था कि सिर्फ सिखाना है हमें लड़कियों को परेड, लड़कियों को एक्सरसाइज सिखानी है क्योंकि मैं एरोबिक्स में एक्सपर्ट हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज कराती हूँ, तो योग कराना था उनको। जब वो परेड करती थी तो मैं उनके साथ साथ चलती रहती थी, तो मुझे कई बार सब रोकते थे अरे उम्र देख ली है अब 60 के पास जा रही है तो अब तू परेड नहीं कर पाएगी, तो गुस्सा आता था क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे, तो मैं कहती नहीं मैं करूँगी करूँगी। तो एक दिन जब बैंड ग्रुप था तो उसमें चर्चा चली कि जो बैंड में एक जिसका वेट 30 किलो से ऊपर है तो वो उठा के चलना है, तो जो यंग लड़कियां हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई 23 साल सर ये रहने दो, इसको छोटा करा दो, ये कर दो। तो मैंने अपने CDO को कहा कि सर मैं ट्राई करूं, उसने कहा नहीं नहीं ये सिर्फ जवानों के लिए है। तो उनमें से एक इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आजकल की जो महिलाएँ हैं ना उनको 2 किलो सब्जी का थैला को उठा के चलो तो वो उनकी कमर में दर्द हो जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं सर नहीं, मतलब कि उनको ये लगा कि महिलाएं ये भारी चीज़ नहीं उठा सकती। तो मैंने कहा नहीं मैं सर मुझे एक मौका दो, तो मैं रोज़ पीछे पड़ने लग गई। तो 10-15 दिन मैं दिन में कम से कम 5-6 घंटे जा के सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़, तो वो मेरे से इतने तंग आ गए कि मुझे ग्राउंड में देखते हैं दूसरी साइड चले जाते थे, मैं उधर चली जाती थी सर एक बार किसी से कह दो ना सर मैं उठा लूँगी। तो उन्होंने फिर एक दिन DCP साहब को कह ही दिया कि ये थोड़ी इच्छुक है इसको ज़रा उठवा के दे। तो मुझे सब सर ने ऑफिसर्स ने कहा कि ठीक है अगर 10 मिनट उठा के इसको तुम खड़ी हो जाओगी तो हम तब सोचेंगे। मैंने कहा सर लाओ लाओ, मैंने फटाफट उठा के गले में डाल दिया वो सोजा बैंड और मैं तो अपना परेड के साथ साथ चलने लगी परेड करने लगी। तो वो थोड़ा सा ये कहकर भूल गए। तो जब 1.5 घंटे के बाद परेड ख़त्म हुई तो मैंने कहा सर देखो मैं तो परेड कर ली, कह रहे तब से तुमने उठा ही रखा है, मैंने कहा हाँ मैंने उठा ही रखा है। तो फिर उन्होंने क्या नाम है कहा ठीक है करो प्रैक्टिस, तो मैं रोज़ अपना ये डाल लेती और परेड करना लड़कियों के साथ शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा ये ना मोटी है और उम्र में बड़ी है, चलो इसको देख के और लड़कियां मोटिवेट होंगी। तो हमारे DCP साहब ने कहा भी देखो मैडम जैसी मुझे 2 लड़कियां और चाहिए जो इसको उठाए, तो कोई राजी नहीं हो रहा था। मैंने कहा सर आप मुझे ही अकेली को उठवाने दीजिए, कह रहे नहीं नहीं कहीं तो वहाँ पे गिर गिरा गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा नहीं सर आप मुझे एक बार मौका तो दो। तो मगर उनके मुँह पर सबसे कहा था नहीं नहीं सोचेंगे सोचेंगे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं डेली अपना सुबह शाम जो परेड का टाइम होता था अपना उठाती और परेड शुरू कर देती। तो लास्ट मोमेंट तक इवन देन जब सेकंड रिहर्सल थी मतलब 17 जनवरी को मुझे याद है मुझे कहा गया कि आप रहने दो, तो मैंने कहा नहीं सर आप मुझे मौका दीजिए, नहीं आप कहीं गिर गए तो, मैंने कहा नहीं सर चलूँगी। तो पहली रिहर्सल हुई कंप्लीट की, फिर भी मुझे DCP साहब पूछते रहे चलोगे ना बेइज्जती तो नहीं कराओगी, कहा नहीं सर ये मेरा आप मान जानते नहीं मेरी दिली इच्छा थी, मेरी एक सपना था जो आप पूरा कर रहे हैं, मैं आप मानोगे नहीं मैं सुबह शाम दिन में 50-50 बार हनुमान जी का आरती गा लेती थी,
और मतलब हर बार मैं कहती थी बजरंग बली जी शक्ति दो तो वो एक खुशी थी और मेरा सपना था जो पूरा हुआ। जब मैं 26 जनवरी की परेड को शुरुआत की तो मैंने ईश्वर को, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को और अपने पुलिस के सभी स्टाफ को धन्यवाद किया कि इस सपने को पूरा करने में उन्होंने मेरा सहयोग किया। वही सब मेरे मोटिवेट थे और जो मेरे साथ मेरे जवान थे वो सब मोटिवेट कर रहे थे। तो और हमारी परेड दिल्ली पुलिस की फर्स्ट आई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि दिल्ली पुलिस का जो बैंड था, उसकी ताल मिल थी, उसकी धुनें थी, वो कमाल की थी और उन्होंने इसकी सराहना की। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं। और सपनों को पूरा करने की मैं सोचती हूँ कोई उम्र नहीं होती और मन के अंदर एक जज्बा होना चाहिए खुद को मोटिवेट करने के लिए, एक खुद को भी साहस देना है। और मैं क्योंकि अपने आप को जब मैं खुद डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो इस गीत के जरिए अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को हौसला देती हूँ कि मुझे अभी और बहुत कुछ करना है। जैसे कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएंगे मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, जो जीवन से हार मांग ले उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जीवन चलने का ना, चलते रहो सुबह। बहुत 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 अच्छा। अब मैं आपकी बहादुरी पुलिस फोर्स के लिए दो लाइनें डेडिकेट करना चाहूंगा। सैकड़ों अकलमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, जब मुसीबत आती है तब पुलिस के सिवाय सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। जब कभी हमें परेशानी होती है, पार्टी करनी हो तो दोस्त या रिश्तेदार 500 इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब परेशानी होती है तो जिस किसी को फोन करो सब बिजी हो जाते हैं। कोई किसी काम में, कोई शहर से बाहर है, कोई ना कोई बहाना बना के उस टाइम दिल्ली पुलिस जो है वो हमेशा हमारे साथ है। तो ये दो लाइनें मैं आपको और आपकी फोर्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके जरिए सभी को बताना चाहूँगी कि पुलिस के दो नंबर कम से कम याद रखें, 112 नंबर। कभी भी मुसीबत पड़ती है, आप अपने आप को असहाय मानते हैं या आपको लगता है कि आपके माता पिता नहीं है, बच्चे घर पे अकेले हैं और उन्हें कोई मुसीबत आ गई है, तो अपने बच्चों को 112 नंबर याद कराएं। और आजकल जो साइबर क्राइम चल रहा है उसके लिए 1930 ये दो नंबर याद रखें ताकि आप पुलिस से जब चाहे मदद ले सकते हैं। और न्यू जनरेशन के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, जो आजकल की बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, लड़के भी हैं, वो अगर इन दो चीज़ों पर अमल कर लें तो हमारा समाज बहुत ही सुरक्षित और एक सही मायने में सही राह पर चलेगा। एक तो अपने माता पिता की इज्जत करें, माता पिता का मान सम्मान करें, उनके अनुभवों को जांचें, वो आपको जिस बातों के लिए अवेयर करते हैं उन चीज़ों को सोचें कि वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। और अपने टीचर जो आपको शिक्षा देते हैं, आपको समाज में इस लायक बनाते हैं कि आप बड़े होकर अच्छे समाज का नेतृत्व कर सकें, अच्छे समाज को जन्म दे सकें, कुरीतियों को दूर कर सकें, तो अपने टीचर्स की ज़रूर आप रिस्पेक्ट करें। अपने जो हमारे फोर्स के लोग होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनकी बातों को आप माने, यही एक फंडा है आपको आगे जीवन में चलने का। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, कई जगह गई, बट आज का जो टॉक था जॉली अंकल के साथ बहुत ही अच्छा और एक फैमिली एटमॉस्फेयर लगा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि एक बच्ची और एक बड़ी उम्र के लोग किस तरह से एक तालमेल बनाकर कुछ अलग से कर सकते हैं। ये इस टॉक जॉली अंकल के टॉक में मुझे सबसे लगा कि बच्चों को हमेशा अपने बुजुर्गों के साथ चलना चाहिए। दादी पोती का, दादा और पोती का जो ये मेल है, मुझे और बच्चों को ये मैसेज मिलता है कि अपने बुजुर्गों के साय में अगर आप कुछ करते हैं वो बिल्कुल एक अलग और एक सॉलिड
एक एग्जांपल है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जॉली अंकल के स्टॉक में आकर कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मेरे जीवन को और समाज के जो आजकल के जो मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर, अपनी जॉब को लेकर, किस तरह से हम जो एक भरोसा किया गया कि महिलाएं आगे हैं, उन सब क्वेश्चनों को कितने अच्छे से कवर किया। और मुझे रबानी के क्वेश्चंस बहुत दिल को छुए, उन्होंने बिल्कुल एक बच्चों की तरह क्वेश्चंस किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप इस तरह के टॉक्स को जो भी इनके हर आते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, आप हर बार देखिए। और मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं रबानी को देती हूँ और जॉली अंकल से चाहूँगी कि आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे। जय हिंद। दोस्तों, दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ। दिल वालों की दिल्ली पुलिस। यस। सही टाइम पे करेक्ट कर देती हो। थैंक यू। किरण जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आज भी ड्यूटी थी, फिर भी आपने, बीच में फोन भी आ रहे थे तो, लेकिन आपने इतना टाइम दिया, इतने अच्छे अच्छे मैसेज पब्लिक के लिए, इतनी अवेयरनेस आपने क्रिएट की, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आप भी अगर हमारे इस पॉडकास्ट प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आपके पास भी कोई खास हुनर, स्किल या टैलेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल शेयर करें, हमारी टीम बहुत जल्दी आपसे संपर्क करेगी और आपके हुनर को जमाने के सामने लाएंगे। आप भी किरण सेठ जी की तरह हीरो नंबर वन बन सकते हैं। जय हिंद। आप सभी के लिए हमारी यही दुआ है कि आपकी हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।